गैस पूजा को ढूंढ लिया बहुत ज्यादा, लेकिन पूजा मिल नहीं रही है। कहाँ चले गए यार ये? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस आज सुबह सुबह खतरनाक वाला कोहरा आ गया। देखो गाइस क्या हुआ, ये गधा पसा जो ध्यार आल इधर का पिछलो को है। कहां जा रहे हो ओ हीरो, कहां जा रहे हो? बाहर ना भालू आ रखा है, ऐसे मौसम में ना भालू आता है भालू। और गैस कल रात तो ना हल्की हल्की बारिश हो गई थी, हमको लगा था शायद रात बारिश रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह कोहरा आ गया, तो गैस खतरनाक वाला कोहरा आ गया आज। ठीक है, जाड़ा है तो भाई बनता है ये सब। तो गैस देखो सारे घर छुप गए। तो गैस यहाँ मम्मी ने कर रखा है गर्म पानी, तो थोड़ी देर यहाँ पर आग सेकता हूँ यार। आ भाई, और गैस ऐसे मौसम में ना आग सेकने का बहुत ज्यादा मन करता है और मजा भी आता है। हाँ आगे पीछे से यहाँ बैठ जाओ, बैठ बैठो यहाँ बैठो बैठ जाओ। तो गैस अभी हल्की हल्की धूप भी आ गई है, और गैस मैं चाय लेके आ गया हूँ अपने लिए छत में। तो सबसे पहले गर्म गर्म चाय पीते हैं। और गैस आज चाय के साथ हैं पहाड़ी खजूर, जो कि मम्मी ने कल शाम बनाए थे। तो गैस ये रही चाय और ये रही खजूर। और गैस देखो कोहरा भी हल्का हल्का साफ भी हो गया है, मतलब पहाड़ों में तो है ही हल्का हल्का कोहरा, बाकी हमारे गाँव में नहीं है, हल्का हल्का है बस। और गैस आज सुबह सुबह हमारे गाँव में कम्बल बेचने वाले भैया आ रखे हैं, तो मम्मी कह रही थी कि कम्बल भी चाहिए करके। तो गैस ये रहे भैया। भैया कहाँ से आ रखे हैं आप लोग? धारचूला से आ रखे हो? नेपाल धारचूला पहाड़ी हो गया, नेपाली हो? नेपाली पहाड़ी। अच्छा धारचूला नेपाल में पड़ता है क्या? इधर धारचूला हुआ, उधर धारचूला हुआ। अच्छा धारचूला, धार अलग हुआ, धार अलग हुआ ना। हाँ धारचूला। अच्छा अच्छा पूर्णागिरी साइड, मतलब पूर्णागिरी से आगे तो नीचे हो गया महेंद्रपुर। महेंद्रपुर तो नीचे। अच्छा 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 ऊपर पिठौरागढ़ होते जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गैस भैया लेके आए हैं कम्बल, मम्मी देख फिर कैसे हैं करके। भैया कितने का दिया है ये? 3500 का दिया। कितने का? 3500 रुपए का। सुबह सुबह का टाइम है, हम दिन में बोलते 3500 बोलते हैं, और सुबह सुबह बोनी का टाइम है क्या करना। बहुत महंगा दे रहे उसको, तो बहुत महंगा दे रहे। तो ठीक ठीक लगाओगे तभी तो बिकेंगे। ठीक ठीक तुम भी लगाना पड़ेगा दीदी, हम भी लगाएंगे। भैया देखो हमको लेना ही है, हमको लेना है, लेना आपको बेचना है, लेकिन रेट ऐसा बोलो जो हम ले सके और आप दे सको। एक ताली बस्ता नहीं बेचा, दो हाल लगाने पड़ता ना, कुछ हम बोलेंगे कुछ तुम बोलेंगे तब जाके नीचे जाके बात बनेगा, ये होता है। चलो आप दिखाओ भी देखते हैं फिर क्या है करके। ये लेने ये ना पहले इसको दिखा दो फिर भारी वाला। तो तुमको चाय पान पियो नु, चाय पान ठंडा है वाला। बहुत ठंडा है पार्ण। अरे कोई पानी है तो अपने घर का वो है, कोई लो ले या ना ले तो चाय पानी का तो आओ बैठोगी भगत ही क्या है, चाय पानी से तो है घर। सही बात, इतना ही तो है। और कैसे भी खतरनाक वाला फिर से कोहरा आ गया है, तो अभी अंकल जी को हमने चाय दे दी है, तो अंकल चाय पी रहे हैं। लेकिन गाइस बात नहीं बन रही है हमारी। धन्यवाद धन्यवाद, चाय पिला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो मेरा धर्म है, मैं तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ भैया जो हमारे घर पे आता है उसको एक घूंट चाय पिला देना, सभी का अच्छा होना चाहिए, दो रोटी लाए सबको मिलना चाहिए, ईद और है क्या, 4 दिन की जिंदगी है, सभी ने खाना है सभी ने रहना है। तो गए फाइनली हम लोगों ने 3 कम्बल ले लिए हैं, और अभी अंकल जी लोगों को हमने यहाँ पे बैठा दिया है, और अंकल जी लोग सुबह से भूखे हैं तो इनको हम नाश्ता करवा रहे हैं। लो अंकल जी गर्मा गर्म खाना। ठीक चल देते हो? अच्छा ठीक है फिर। हाँ चलो। तो गए फाइनली अंकल जी लोग भी चले गए, और अंकल जी लोगों को हमने नाश्ता भी करवा दिया। गए भूखे थे सुबह से, तो ठीक है। तो गए पूजा यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही है, और पानी कितना ठंडा हो रहा है? पानी तो नॉर्मल हो रहा, अंदर का सिंटेक्स का हो रहा है। तो कैसे भी ना हल्का हल्का मौसम भी खुल गया है, मतलब मौसम का भरोसा नहीं, कभी कोहरा आ रहा है कभी धूप आ रही है, कभी कोहरा कभी धूप, चला है मतलब ऐसी मौसम। और गैस आज पूजा ने मैंने फर्स्ट टाइम मिलके एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो अभी हम उसको डालेंगे यूट्यूब में, तो आप लोग उसको देखना और अपना प्यार देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ ट्राई किया है। तो कैसी लगी तुमको वाली वीडियो? उसको ना वीडियो बनाने में मजा आया, सही लग रहा है ना उसमें। और गाइस अगर आप लोगों को अगर ऐसी वीडियो हमारी अच्छी लग रही होंगी तो कमेंट करना, हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे शॉर्ट। तो गाइस अभी पूजा ने कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने कपड़ों को सुखा दिया मशीन में, तो अभी अच्छी खासी धूप आ गई है, तो अभी हम जा रहे छत में, इनको एक बार धूप में सुखाते हैं क्योंकि ना नमी है अभी। आ जाओ पूजा, चलो चलो।
छटकाओ उसे। हाँ अब डालो पानी, कहाँ इसमें नहीं पानी। नहीं नहीं, चमोड़ी चमोड़ी जो होगा ना वो निकल जाएगा। तुम्हारा वाला गाना तुम पर सूट कर रहा, अच्छा खासा था कमारा, शादी करके फंस गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़िया मिल गई, मैं क्या करूँ राम, मुझे पूजा मिल गई। तो गाइज अभी हम लोग आ रखे हैं छत में कपड़े डालने के लिए, कपड़े तो हस्बैंड जी डाल रहे हैं, बस मैं यहाँ पर खड़ी हो रखी हूँ। और वैसे ना मैं टोपी नहीं पहनती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा आ गया ना, मेरे सर में दर्द होती कल, तो मैंने फाइनली अपनी टोपी निकाल ली है। और आजकल मैं टोपी को खोल नहीं रही हूँ, अब धूप भी आ गई है ना, तब भी मेरी टोपी निकलेगी क्योंकि बाहर नहीं बनाए हैं। तो दोस्तों देखा हमारा छतमबट्टी का तो सुंदर सा पहाड़ दिखनी, अल तक यूँ कोहरा पूर ढकी रची, लेकिन जैसे धूप है ना यूँ लग खिलगी। तो दगड़ियो आज हम उतरणी कौतिकला जान से, क्योंकि अच्छा सा मेला लगा है हमारे गाँव के पास में ही, तो सोच रहे हैं वहाँ घूम आए। अभी तक तो कोहरा आया था, प्लान नहीं बना था, लेकिन जैसी धूप आई ना अचानक से प्लान भी बन गया है। हाँ झोला, झोला क्या चाहिए, सामान किसमें लाओगे? अरे हाँ बैग कहाँ है, बैग लेके जाओ, काला बैग। और गाइस हम लोग भी रेडी हो गए हैं मेले में जाने के लिए, और हम वंशु को लेकर जा रहे हैं क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, तो पूजा और मैं जा रहे हैं। बैग पकड़ लो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए मार्केट में। तो गाइस यहाँ पे लगा है मेला उत्तरायणी कौतिक का। तो गाइस पहले हम लोग बैठते हैं झूले में। अरे बाप रे पूजा, इसे बैठोगे इसमें? बैठो भाई, बैठना बताओ। गैस एक झूला ये है, एक झूला ये है, ये बच्चों का है। टिकट कितने का पर पर्सन? और उस वाले का सबका 50 रुपए? अच्छा तो गैस इस साइड को लगी है कपड़ों की दुकान, ये पूरी एरिया कपड़ों की है। तो गैस पहले हम लोग घूम लेते हैं, उसके बाद फ्री हो जाएंगे ना, फिर बैठेंगे झूले में। तो गाइस यहाँ देखो सेल लगी है 350 का, ये देखो हाँ ये 100 रुपए की है गाइस, ये हाँ ये सब यूज करे हुए हैं कपड़े। तो मम्मी देखो भैया आए हैं। अच्छा कहाँ रहते हैं आप लोग? पॉलगढ़ में रहते हैं। नमस्कार नमस्कार। तो गाइस अभी हम लोग बैठने वाले नाव वाले झूले में, तो इसके पहले पर्ची काटनी पड़ेगी। आओ। और गाइस पर्ची ले ली है, 50 रुपए की एक पर्ची है। डर लग रही है वैसे यार। ना ना बैठ लेते हैं, डर के आगे जीत है। भैया कितने राउंड लगेंगे इसके? राउंड कितने लगेंगे? 20 राउंड, 20 राउंड लगेंगे इसके झूले के। एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। गाइस हम लोग बैठने वाले हैं अभी इसमें, लेकिन मेरे को डर लग रहा है यार। अरे बाप रे ये तो बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो गाइस पता ना मैं क्या पहन लेता हूँ, ये वाली मेरी टोपी उड़ जाएगी यार, उसमें बदनामी हो जाएगी। गाइस इसको टाइट से बांध लेता हूँ जरा, सही है? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं झूले की तरफ। और गाइस पता ना आज मैं इस झूले में फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, डर लग रही है यार। तो गाइस फाइनली झूला भी रुक गया है, अब बारी है इसमें हमारी बैठने की। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बैठ गए झूले में। वो टाइट पकड़ना, ओ भाई तुम टाइट पकड़ना, पूजा टाइट पकड़ना, टाइट पकड़ना यार। ओ आगे बंद कर लेना, आगे बंद कर लो, आगे बंद कर लो। ओ भाई अरे टाइम पकड़ो, टाइम पकड़ो, टाइम पकड़ो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई ओ ओ ओ टाइम पकड़ो, ओ ओ ओ टाइम पकड़ो, ओ भाई ओ पूरा हाथ टाइट पकड़ना, अपना हाथ टाइट पकड़ो। जय श्री राम। ओ भाई गाइस अब दिक्कत नहीं आ रही है, अब फुल एंजॉय, फुल एंजॉय हो रहा है गाइस, फुल एंजॉय। तो गाइस फाइनली झूले से उतर रहे हैं अभी। ओहो तो गाइस फाइनली झूले से उतर के हम लोग बैठ गए अभी यहाँ पे। और गाइस आज झूले में ना फर्स्ट टाइम बैठा, तो बहुत ज़्यादा मजा है। स्टार्टिंग में डर लगी,
लेकिन उसके बाद से फिर नॉर्मल रहा था और सही लगा, मतलब मस्त गाइस, मजा आ गया यार। तुम्हें लगी डर? बहुत ज्यादा डर लग रही थी यार। तो गए झूले में तो बैठ गए हैं और अभी भूख लग रही है। भैया चाउमीन कैसी थी? 20 की हाफ, दो हाफ कर दोगे? तो गए यहाँ बन गया चाउमीन। भाई क्या क्या आपके पास आइटम, क्या क्या है? अच्छा अच्छा पकौड़ा भी है। तो गए फाइनली चाउमीन बन के रेडी हो गई है। तो गए हम लोग चाउमीन लेके आ गए यहाँ पे ग्राउंड में। यहाँ पे ना धूप अच्छी खासी आ रही है। चाउमीन कैसी हो रही है? तो गए चाउमीन का रेट है 20 रुपए पर प्लेट। चाउमीन बढ़िया हो रही है, मजा आ गया। तो गाइज हम लोग मेले को काफी इंजॉय कर रहे हैं और मेले में ही ना हमारी दीदी और मौसा जी भी आए हुए हैं हल्द्वानी से। तो जो दीदी है ये मेरे मामा की बेटी है। तो ये रही दीदी और ये रहे मौसा जी। तो देखो आज मेले के बहाने हमको मौसा जी और दीदी से ही मिलना हो गया। वैसे मौसी भी आ रखी है। मौसी को कहाँ छुपा रखा है? मौसी का कपड़े ढूंढ दे, कपड़े। अच्छा तो अभी मौसी और मौसा जी के यहाँ से शॉपिंग भी चल रही है। आ गए मौसी। तो ये रहे हमारी मौसी जी और हमारी दीदी ब्लॉग बनाती है। इनके ब्लॉग का नाम है सुनीता दीप भट्ट। तो ये रही मौसी। मौसी प्रणाम। जी तेरा बेटा है। हाँ। अरे झूले से मैंने देखा दूर से, उसके बाद मैं कह रही मौसी कहाँ चले गए? तुम खो गए? नहीं मैंने ढूंढा, मैंने कहा हाय तो बोल दे, प्रणाम भी बोला। और ये हमारी सिस्टर भी है और ये है इनके हस्बैंड। हेलो गाइस, क्या हाल है? तो गाइज आज ना मैं अपनी दीदी से बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ। जब मैं छोटी थी ना बहुत ज्यादा, तब मैं पहाड़ गई थी दीदी लोगों के घर में और हम यहाँ आते थे और खूब एंजॉय करते थे। मैं तुम्हारे साथ 10 साल बाद मिल रही हूँ। हाँ हाँ शायद। तो काफी अच्छा लगा आज मेले के बहाने हम दीदी मौसा जी मौसी सभी फैमिली मेंबर से मिल गए हैं। और गाइज पूजा खो गई मेले में। और गाइज पूजा का ऐसा ही रहता है, खो जाती है लड़की। कहाँ चली गई? गाइज पूजा को ढूंढ लिया बहुत ज्यादा लेकिन पूजा मिल नहीं रही है। कहाँ चले गए यार ये? अरे तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? हद हो गई। तो गए फाइनली मेला भी घूम लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर को। और गए सभी हल्की हल्की शाम भी हो गई है। और दगड़ियों फाइनली हमले मेवामबट्टी घर पहुंच गए। और उन्होंने टाइम पे ना रास्ता में तो ज्यादा कोहरा लगा कि कुड़की है गे। और अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में क्योंकि हमारे खेत में ना एक केले का चरखा पक रखा है। तो हमको तो पता नहीं था, मम्मी ने देखा और मम्मी कह रहे हैं उसको ले आते हैं। और देखो अभी के टाइम पे कितना कोहरा आ गया है। थोड़ी देर पहले जब हम गए थे धूप आई थी लेकिन अभी अभी कोहरा आ गया है। तो गाइस दे रहा हमारा केले का चरखा, ये तो बहुत ही बड़ा हो रखा है। मम्मी पक जाएगा जल्दी, ये देखना फट भी गया। मम्मी फट गया कहां? तो गाइस इसमें से केले जो है ना सारे फटने लग गए ठंड की वजह से। यहां से पूरा फट गया रे। मम्मी बहुत टाइम से पकने का हो गया होगा इसको। अभी तो तोता ने खेत में खाया है और सब निकाल रखे हैं। ये फटे वाले तो बेकार हो गए फिर। अब ना पकल पक जाएंगे। ये कुंटल लोग से आ एक कुंटल का। मम्मी लाओ मैं ले जाती हूँ एक कुंटल। हम जैसी ले आएंगे वहाँ बैठी गाइस। आज हमारा एक कुंटल का केले का चरखा नीचे गिर गया। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं केले को लेके घर को। और गाइस अभी हमारा रात का खाना यहाँ पे बन रहा है। मम्मी आज खाने में क्या है? भिंडी। तो गाइस ये रही हमारी सब्जी आज की, आज है भिंडी की सब्जी। मम्मी भूख लग रही है बड़ी तेज की। और गाइस आज मेले में ना मजा आ गया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो झूले में भी बैठे, मतलब खाना पीना भी खाया, थोड़ी घूमे फिरे भी। तो गाइस अभी हमारा खाना पीना भी बन गया है। तो गाइस खाना भी आ गया है, भिंडी की सब्जी है और गर्मा गर्म रोटी है। इस साइड को है हमारी ब्यूली, हमारी मैडम। इस साइड को है हमारी माता, मम्मी। उस साइड को है पलक, महारानी। तो गाइस पहले गर्मा गर्म खाना खाया जाए। मिर्ची की चटनी भी है इसके साथ खाते हो? मिर्ची की चटनी नहीं खा रहा यार मैं। ले आओ पलक। मिर्ची की तो नहीं खाऊंगा, टमाटर की है तो खा लूंगा। टमाटर नहीं बने रहे हैं उसी में, टमाटर कोर के हो जाएगा वैसे हो। नहीं यार फिर मिर्ची हो जाएगी। चुप जा चुप जा, रो मत रो मत। बैठ यहाँ पे, आग यहाँ पे बैठ जरा, बैठ यहाँ पे। आग था आप यहाँ पे जरा। कहाँ जा रहा है फालतू कमरे में, नंगे पैर हैं, तमीज नहीं बिल्कुल नहीं, बदतमीज कहीं का। अभी तो बैठा था यहाँ पे गधा प्रसाद, वैसे रखा है मैंने गधा प्रसाद का नाम। चल कोई नहीं कोई नहीं, चल 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 कोई नहीं कोई नहीं।
तो गाइस इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय।